हेलो गाइस, इस समय हैं आप आशीष सर के साथ और प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सॉफ्टवेयर। Software is a developed software is developed slash engineered but not manufacture in the classic sense. नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए, इसका मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इंजीनियर्ड बट नॉट मैन्युफैक्चर इन द क्लासिक सेंस। ठीक, देयर इज नो असेंबली लाइन प्रेजेंट in the software development process because application to application the functionality will be differ. Therefore, we need to develop the functionality for the base line. Second, software does not wear out but deteriorate। इसके बारे में मैं आपको क्लासरूम में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। फिजिकल कंपोनेंट इज undergoes wear out in the life cycle of finished
फिजिकल कंपोनेंट कंटेन थ्री फेजेस। पहला बर्न इन फेज, दूसरा यूजफुल लाइफ फेज और तीसरा आएगा वियर आउट फेज। इन द अर्ली स्टेज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ द एरर द प्रोड्यूस सॉरी प्रोडक्ट फेल्योर रेट इज सो हाई। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज बर्न इन फेज। आफ्टर द टेस्टिंग most of the error will be covered so the failure rate will be decreases. When the failure rate is stabilized, then the product will be deployed. Into the customer location. This stage is called as useful life phase. After continuous usage of the product over a period of a time due to the environment
पैरामीटर चेंजेज। द प्रोडक्ट फेलर रेट विल बी इंक्रीजेज दिस स्टेज इज कॉल्ड एज वियर आउट फेज। वियर आउट फेज रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग द पाथ ट्यूब कर्व। वियर आउट फेज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द बाथ ट्यूब कर्व। अब डायग्राम देखते हैं बाथ ट्यूब कर्व का। इधर क्या रहेगा? फेलर रेट रहेगा। इधर क्या रहेगा? टाइम रहेगा। अब जो जो लिखा है सेम टू सेम यहां पे अप्लाई होगा। यहां पे बर्न इन फेज पहला वाला, बर्न इन फेज, और यहां पे क्या आएगा? वियर आउट फेज मतलब रिप्लेस। देखिए जब प्रोग्राम बनता है यहां पे क्या आएगा? यूज यूजफुल लाइफ फेज। देखिए जब प्रोग्राम बनता है तब उसके बाद जो है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद जो है वो कुछ समय टेस्टिंग के बाद कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। फिर कस्टमर उसको अपने अकॉर्डिंग जो है डील करता है कि मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। उसके बाद वो कस्टमर उसको परचेज करता है और वो बहुत लंबे समय तक उसको चलाता है। और इसके बाद भी वो अगर चलाना चाहे तो वो उसको नहीं चला सकता। क्यों? उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम क्या होता है कि वियर आउट फेज पे चला जाता है। वो रिप्लेस के लिए होगा या तो फिर उसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा। इसलिए आज के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डेज पे। थैंक यू।